हेलो चिल्ड्रन, आई एम वंदना तिवारी, लेक्चरर जीजीआईसी सरोसा भरोसा लखनऊ। वी वर टॉकिंग अबाउट दिस पेपर पैटर्न ऑफ क्लास 12 ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हमने कल बात की थी कि पेपर का पैटर्न क्या होगा और कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स कवर करेगा, कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे, और ये भी बात की थी कि हमारे कोर्स में 5 बुक्स हैं एंड आवर फर्स्ट बुक इज प्रोज। तो चलिए आज प्रोज की ओर बढ़ते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर प्रोज सेक्शन इज टू लर्न द नेम ऑफ द लेसन एंड द नेम ऑफ द राइटर। सबसे पहले आपको लेसन का नाम और राइटर का नाम एकदम याद होना चाहिए, बिकॉज इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर एक्सप्लेनेशन। हमारी जो एक्सप्लेनेशंस होंगे, जो व्याख्या होगी अंग्रेजी में पाठों की, ये उसमें सबसे अहम रोल अदा करते हैं। रेफरेंस में ये चीजें लिखी जाती हैं। चलिए बच्चों, आर फर्स्ट लेसन इज अ गर्ल विद अ बास्केट। हमारा पहला चैप्टर है अ गर्ल विद अ बास्केट। A Girl with a Basket has been written by William C. Douglas. William C. Douglas was not a writer. He was a judge in the Supreme Court of United States of America. He visited India in 1950. उन्होंने 1950 में भारत भ्रमण किया था और जो उनके experiences हुए, जो भी उनके अनुभव हुए, वो उन्होंने इस पाठ में लिखे हैं। I had left न्यू दिल्ली फॉर हिमालयास। मैंने न्यू दिल्ली छोड़ दी, यानी मैं मीन्स राइटर नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुए। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन। मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था एंड देन बाई कार टू रानीखेत। उसके बाद कार से रानीखेत जाना था एंड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6,000 फुट ब्रिज ऑपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयस। एक ब्रिटिश सैनिक छावनी जो कि एक हिल स्टेशन पर, हिल्स पे, पहाड़ी पर स्थित थी, 120 मील फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय के सामने 6,000 फीट ऊंची फैली हुई पहाड़ी पर स्थित थी। वहां तक मुझे यात्रा करनी थी। द ट्रेन वॉज स्लो। रेलगाड़ी धीमी चल रही थी एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। और वो हर रास्ते में पड़ने वाले हर स्टेशन पे रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। और हर स्टेशन पे, हर जहां जहां ट्रेन रुक रही थी, मैं अपने कंपार्टमेंट का, अपने डिब्बे का दरवाजा खोल देता था एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमने लगता था। द सेकेंड पैराग्राफ, द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। प्लेटफॉर्म्स जो थे वो ठसा ठस भरे हुए थे, पूरी तरह पैक्ड थे लोगों से। वो लोग कौन थे? सिख थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सैनिक थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, कुली थे, भिखारी थे और फेरी वाले थे। हॉकर्स मीन्स फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फूटेड एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गार्मेंट्स। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, करीब करीब सभी लोग नंगे पैर थे और सफेद रंग के ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैंने 3 लोगों से बात की, उसके बाद मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो अंग्रेजी बोल सकता था। We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. हमने
संसार की ज्यादातर मामलों पे बात की और उस दिन के समाचार के जो मुख्य बिंदु थे, मेजर टॉपिक्स थे, मुख्य जो विषय थे उन पे बात की। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस तरह से मैंने राष्ट्र की नाड़ी को यानी राष्ट्र की भावना को समझने की कोशिश की। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। और जो हमारे कार्यालय थे, जो कार्यालय में काम करने वाले लोग थे, उनका जो रवैया है, उनका जो रुख है, उनके विरुद्ध उनकी क्या ओपिनियन है, क्या दृष्टिकोण है, और जो रिपोर्ट्स आती हैं उनके अगेंस्ट में, उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध क्या ओपिनियंस है लोगों को, कि ये जानने की कोशिश की। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है और कोर्स का पहला दिन है, इसलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना भी पढ़ाऊंगी मैं थोड़ा ही कंटेंट लेके चलूंगी, और जितना भी पढ़ाऊंगी उसको आप डे बाय डे दोहराएंगे। और हाँ, एक पॉकेट डिक्शनरी जरूर रखिए, जहाँ भी दिक्कत आए उस पॉकेट डिक्शनरी से कंसल्ट कीजिए और इस वीडियो को बार बार सुनिए। जितना भी आज आपको पढ़ाया गया है उसमें से हो सकता है मैं कल कोई आपको असाइनमेंट दे दूँ, कोई अर्थ लिखने के लिए दे दूँ, किसी एक्सप्लेनेशन के लिए दे दूँ। सो बी प्रिपेयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।